इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों के वजन को कम करने के लिए सरकार ने हालांकि फरमान जारी कर दिया, लेकिन स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते ये नियम लागू नहीं हो पा रहा है। जी हां, सरकार ने बनाया बैगलेस नियम, स्कूल संचालक मनमानी कर रहे हैं। गंज वासौदा में स्कूल शिक्षा विभाग इस वर्ष नियम लागू किया गया है कि कक्षा पाँचवीं तक के बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार 1 से 3 किलो तक का ही वजन लेकर उनको स्कूल जाना है, लेकिन निजी स्कूल संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों को ताक पर रखकर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे करीब 3 से 4 किलो का वजन लादकर स्कूल जाते हैं और घर आते हैं, इससे छोटे छोटे बच्चों की कमर एवं रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ता है। इसको लेकर गुरुवार को छात्र संघ ने SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि निजी स्कूल संचालकों को आदेश जारी किया जाए कि बच्चों के बैग को कम किया जाए। इंडिया खबर लाइव के लिए हमारे संवाददाता LN चौबे की गंज वासौदा से एक रिपोर्ट। शक्ति, देशभक्ति, शिक्षा के सम्मान में, युवा शक्ति मैदान में, शिक्षा के सम्मान में, युवा शक्ति। मनमानी तथा स्कूल बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई कराने के संबंध महोदय शिक्षक छात्र संघ ने शिक्षण संस्थानों में जो अनियमितता पाई गई है उन्हें देखते हुए आज माननीय अनुभागीय अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया, जिसमें जो वाहन है, जो वाहन चालक हैं, जो स्कूलों में लगाए गए हैं उनमें अनियमितता पाई गई, जहां बच्चों के बोझ का सवाल है, जहां बैगों का सवाल है, वो वजन से क्षमता से अधिक है, जबकि शासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। शासन के आदेश हैं क्लास बाई क्लास उन वजनों का बैग को देखा दिया जाए, और कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो किताबें और ड्रेस हम लेते हैं तो स्कूल बालक बोलते हैं कि आप एक ही स्थान से लें, उनके सीमित स्थान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वो कमीशन बना रहता है। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर कि महासरस्वती छात्र ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम बता कहना चाहते हैं कि छात्रों को और उनके परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी दिक्कत ना हो और शिक्षा का व्यापारीकरण ना हो सके, इसलिए महासरस्वती छात्र संघ ने आज ज्ञापन दिया है। और हर मोर्चे के लिए शिक्षा में हो रही अनियमितताओं को लेकर महासरस्वती छात्र संघ हमेशा मैदान में रहेगा और हमेशा संघर्ष जारी रहेगा। शिक्षक के सम्मान में महासरस्वती छात्र संघ मैदान।